मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ बायो मालिक्यूल्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स बायो मालिक्यूल्स कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ बायो मालिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग इन बायो मालिक्यूल्स फंक्शंस ऑफ बायो मालिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ बायो मालिक्यूल्स आज हम बेसिकली बायो मालिक्यूल्स के बारे में इसके बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे बायो मालिक्यूल वैसे तो इज़ वेरी ब्रॉड टॉपिक आगे हम इसको स्टेप वाइज देखते चले जाएंगे लेकिन जहाँ हम सिंपल इसका ओवरव्यू लेंगे कि बायो मालिक्यूल्स हैं क्या एंड वट दे आर डूइंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो फर्स्ट डेफिनेशन बायो मालिक्यूल्स आर मालिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है बायो मालिक्यूल्स दे आर प्रोड्यूसड बाई लिविंग वैदर दे आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लान्स एनीमल्स आर सम बैक्टीरिया सो बायो मालिक्यूल्स की अग बहुत बड़ी डायवर्सटी है बहुत ज़्यादा बायोमालिक्यूल्स टाइप्स हैं ब्रॉडली वी आर डिवाइडिंग दैम इंटू टू मेन कैटेगरीज दे आर द लार्ज बायो मालिक्यूल्स एंड द स्म बायो मालिक्यूल्स लार्ज बायो मालिक्यूल्स आर दोज विच आर हैविंग मालिकुलर वेट इन द मिलियंस ऑफ डेल्टन्स या हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंटन में जिनका मालिकुलर वेट होता है द एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज बायो मालिक्यूल्स आर ग्लाइक्रोजन स्टार्च सेलुलोज काइटिन प्रोटीन्स सिमिलरली द स्मॉल बायो मालिक्यूल्स स्मॉल बायो मालिक्यूल्स वो बायो मालिक्यूल्स हैं जिनका साइज़ रिलेटिवली बहुत छोटा है और इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज सुक्रोज या मेनोज है इसके अलावा अमानो एसिड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए टी पी है ये तमाम जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं दे आर कॉल्ड स्मॉल बायो मालिक्यूल्स वाट आर द ऑफ बायो मालिक्यूल्स बायो बायोमालिक्यूल के बेसिक क्रैक्टर देखें एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेटाबॉलिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे उसको प्रोड्यूस करेंगे दूसरा इसके बाद यह है कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप उठाकर देख लें दे आर स्ट्रक्चर दे आर फंक्शन इज परफॉर्म बाई दियर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बायो अपालिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द बायो जैसे अगर सिंपली हम देखें एक प्लांट है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक सेलुलज का बना हुआ होता है ज्यादातर उसमें सेलुलोज है इसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर फोटोसेंथसिस और बाकी एक्टिविटीज के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं एनिमल्स में केस देख लें अगर एनिमल्स में ज़्यादातर जो है वो मसल्स हैं प्रोटीन्स का बना हुआ बॉडी है और इसके अलावा इसके अंदर जो एनजाम्स हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स ऑल दीज आर बायो तो बाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय बायो मालिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन आरसो परफॉर्मड बाई द बायो मालिक्यूल्स केमिकली बायोमालिक्यूल्स लिविंग थिंग्स अगर हम शुरू में देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर ब्रॉडली कहा जाता है कि देर अबाउट ट्वेंटी फाइव एलिमेंट्स लेकिन उसमें से अफ्यू जो है सिक्स जो है वो मोस्ट कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और इसमें जो बायो मालिक्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं फॉर आल बायोमालिक्यूल्स इसके साथ साथ नाइट्रोजन सल्फर एंड फासफोर्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द बायोमालीक्यूल तो हम कह सकते हैं कैमिकल केमिकली लिविंग बायोमालीक्यूल दे आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड फासफोर्स ऑल द बायोमालीक्यूल दे आर हैविंग अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक स्पेसीफिक शेप है जो हमेशा बायोमालीक्यूल वही शेप जो है वो अटेन करता है सो अबाउट द कैमिकल बॉन्डिंग इन बायोमालीक्यूल्स बायो मालिक्यूल्स अगर हम जो सिंपल बायो मालिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मोनोमेरिक सब यूनिट्स वो एक सिंगल मोनोमेरिक सब यूनिट होती है जिसमें एटम्स जो हैं वो आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड जो हो है लिंक्ड होते हैं लार्ज बायो मालिक्यूल्स में देखें तो सिंपल सब यूनिट्स आपस में लिंक्स हैं जैसे स्टार्च है स्टार्च में ग्लूकोज मालिक्यूल्स आपस में लिंक हैं तो चाहे कोई स्मॉल बायो मालिक्यूल्स हैं या लार्ज बायो मालिक्यूल है उनके दरमियान एटम्स या जो भी सब यूनिट्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन तमाम का जो बेसिक लिंक है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू है तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग मेनली इन्वॉल्व है बायो मालिक्यूल्स के अंदर दैट इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग लेकिन जब वो मालिक्यूल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अटेन करने की कोशिश करता है उसका जब फोल्डिंग होती है तो उसमें फिर बाकी बॉन्डिंग भी आ जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ जैसे आयनिक इंट्रैक्शन आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ जाती हैं वंडर वाल फोर्सेज जो हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द बायो मालिक्यूल्स तो वट आर द फंक्शन ऑफ बायो मालिक्यूल्स बायोमालिक्यूल्स मालिक्यूल बिकार लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बायोमालिक्यूल्स एंड आल ऑफ देयर फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाई बायोमालिक्यूल्स तो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ वी कैन इमेजन हम इमेजन कर सकते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है बायोमालिक्यूल मालिक्यूल जो है परफॉर्म करते हैं मीन्स इन सोर्स ऑफ एनर्जी जो बायो हैं दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी ग्लूकोज ग्लूकोज से आगे ए टी पी जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ए टी पी बनती है ग्लूकोज भी है ए टी पी भी है तो इससे आगे एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो बायो मालिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं एनिमल्स प्लांट्स बैक्टीरिया दे आर मेड अप ऑफ बायो मालिक्यूल्स ऑल द केमिकल एक्टिविटीज केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पायरेशन है या इस पर इसके अलावा जो है वो ग्लाइकॉलिस है साइकिल है जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं दे आर ऑल परफॉर्म्ड बाय द बायो मालिक्यूल्स स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशनस अभी तो हम इस लेवल के ऊपर हम जानते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉमेशन हैं दे आर स्टोर्ड बाय द डी एन ए मालिक्यूल्स वायरसिस के अंदर कुछ आर एन ए हैं विच आर आल्सो स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉमेशन तो डी एन ए आर एन ए बोथ आर द बायो मालिक्यूल्स तो हम कह सकते हैं कि बायो मालिक्यूल्स दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेश्स मैंटेनिंग द होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर साल्स को कैसे कंट्रोल करना है वाटर को कैसे कंट्रोल करना है टेम्परेचर कैसे बॉडी का कंट्रोल करना है ये सारा काम हमारे बायो मालिक्यूल्स करते हैं ओके जी लास्ट वन अबाउट द टाइप्स ऑफ बायो मालिक्यूल्स बायो मालिक्यूल्स आर वेरी डाइवर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको फॉर कन्वीनियंस अपनी आसानी के लिए हम उनको फोर मेजर क्लासेज में या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन दर कार्बोहाइड्रेट्स सेकेंड वन आर दी प्रोटीन्स थर्ड वन आर लिपिड्स एंड फोर्थ वन आर द न्यूक्लिक एसिड्स